एनर्जी पूरा डाउन हो चुका है, कुछ भी खाने को नहीं मिला ना। भगवान कहाँ फंस गया मैं। तो गाइस अभी एक नदी मिल चुका है, लेकिन नदी में पानी नहीं है, सूखा हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार, स्वागत करता हूँ एक और गाइस जी। गुड मॉर्निंग गाइस जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम। पदुम सही है। और ऑक्सीजन की कमी है यार। हाँ, बीच बीच में होता है ऐसा, तो फिर देना है कि ऑक्सीजन कम हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अभी मुझे बाहर निकलने का वो नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, हिम्मत नहीं हो रहा है, हौसला नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा खतरनाक वाला गर्मी है। और अभी मैंने जस्ट देखा, मतलब नाक में दिखिए, थोड़ा मैं वहाँ जाता हूँ, अभी दिखाई देगा होगा सर ना, नाक दिखिए ना, स्किन क्या हो गया, नाक नहीं दिखाई दिया, मेरा दिख गया, दिख गया, इधर की गर्मी ने हवा ने नाश कर दिया सारा कुछ। चल तूने कोई शादी करा नहीं है? नहीं है, फिर टेंशन भी ले रहा है वो, इसलिए टेंशन नहीं ले रहा, प्रदीप नहीं ले रहा टेंशन, जिसकी अभी शादी है थोड़े दिन में। हाँ चलते चलते एक साइकिलिस्ट उसी के साथ हो जाए। कल क्या हो गया, रास्ते में वो मिलेगी जो कल सो रहा था बढ़िया से, और कुत्ता है ना भाई, कुत्ता ने टेंट फाड़ दिया। अरे मेरे को लगा, मैं क्या कुछ, मैंने सोचा बालू शालू आया है, और जब देखा सुबह देखा उसके पंजे लगे हुए हैं वैसे के वैसे। दिखा क्या आप, मैं दिखा गया भाई, दिखा दिया। लो जी भाई, तो आज की ब्रेकिंग न्यूज, ताजा ताजा सुबह की, टैटने टिगलू भाई का टेंट फट चुका भाई। ये देखो पता क्या चक्कर है, यहाँ पंजे लगे हुए हैं, ये कुत्ते के काम है, क्योंकि पता क्यों उसने क्यों फाड़े होंगे, क्यों फाड़ा होगा टेबल उसने, पता नहीं, मतलब ये फाड़ता नहीं था मेरा ख्याल से, यहाँ पे भी टाइट है ना। हाँ, छपक मरा था, चिपक उसका नाखून फंस गया, तिखे होते हैं ना, निकल गया, तो वही इस चक्कर में हो गया। ये देखो सारा फट गया इधर से, कि कौन मर गया, इसको पता सिलना पड़ेगा ऐसे करके, सिल देंगे, चलो हाँ रात को सिल देंगे अपने पास। और प्रदीप भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और प्रदीप भाई का टेंट, मतलब सामान वगैरह पूरा पैकिंग हो चुका है, क्योंकि मेरा थोड़ा सामान ज्यादा है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों का तो जल्दी हो जाता जल्दी, है जल्दी। और दोस्तों मेरा वीडियो, आज का जो वीडियो है कल आप लोगों को मिलेगा, पुराना जो वीडियो है थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे करके वो करेंगे, लेकिन आज का वीडियो कल आप लोगों को जरूर मिलेगा। ओके ओके। और यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसलिए अभी वीडियो अपलोड हमें दूर में जाने पड़ेगा, जल्दी यहाँ से निकलता हूँ, तो पदम को गुड बाय बोलते हैं। हाँ, पदम को बाय बाय बोल के निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस सामान वामान पैकिंग हो चुका है, अभी चलते हैं यहाँ पे, पहले चलेंगे कुछ खाने के लिए वही अपना होटल में, जहाँ पे चार्जिंग वगैरह लगा हुआ है, पावर बैंक। हाँ ठीक है। और सच्ची में गाइस बहुत ही गर्म है, रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुन्ना चौधरी साहब दरिया नाम है उसका। तो गाइस खाना वाना खाने का बाद निकल के आ चुका हूँ, और यहाँ पे नेट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी 12 बज के पार हो गया, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करे, उपाय नहीं है। और ऊपर से इतना गर्मी, मेरा पूरा ख़राब लग रहा है सच्ची में गाइस, क्या बोलो, वीडियो नहीं दे पा रहा, इतना देरी होगी ना, उपाय नहीं है, नेट का इतना स्लो है ना, क्या करे भाई, जो भी हो दिखा जाएगा। कहाँ ये भाई लोग, भाई लोग वहाँ पे रुके हुए, कार वॉश शायद, अपना बाइसिकल वगैरह में थोड़ा पानी डालेगा चेन में। तो गाइस सामने वो रहा टावर, और अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा छाया मिल चुका है, ऐसे तो छाया है नहीं, हर जगह में धूप धूप, यहाँ पे थोड़ा सा मिल चुका है, यहाँ पे बैठ के अभी वीडियो अपलोड करके फिर जाते हैं, चलते हैं सीधा। अभी जाके वीडियो अपलोड हो गया, 2 बज चुका है, जाके यहाँ पे बैठ के वीडियो अपलोड किया, कैसा जगह में, पहले तो वहाँ पे था, वहाँ पे नेट इतना स्लो था ना, अपलोड हुआ नहीं, फिर वहाँ से चल के आके यहाँ पे रुका, फिर अभी जाके वीडियो अपलोड हो गया फाइनली। अब यहाँ से निकल तो बहुत ही स्ट्रगल होता है वीडियो अपलोड करने में, और अगर कोई भी आ रहे हो मतलब पदुम में तो नेटवर्क बहुत स्लो है, तो जैसे ये जाता है लेके रे रास्ता, तो आगे ब्रिज है, यहाँ पे थोड़ा नेट का स्पीड है, थोड़ा सा बता दिया किसी अगर आ रहा है तो। ठीक है अभी चलता हूँ यहाँ से सीधा। तो गाइस अभी हमें ये ब्रिज क्रॉस करके वो ऊपर के लिए रास्ता जा रहा है, वहीं से जाने पड़ेगा।
ये नया करके बना है ब्रिज, पहले वहाँ पे था वो पुराना ब्रिज। ये रिवर का नाम तो पता नहीं है मुझे, देखने पड़ेगा वो वाला पुराना ब्रिज। थोड़ा सा खरी चराए था, ज़्यादा नहीं चला के आ सकते है। भाई लोग पीछे पीछे आ रहे, और क्या मस्त नज़ारा है। कल हम लोगों ने वहाँ पर गया था, वो पहाड़ जो है वहाँ पर ही मम्मी देखने के लिए। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू आएगा, फिर खाने पीने का, अरे कुछ भी मतलब, क्योंकि हर कोई बोल रहे ये रास्ता मतलब बहुत टफ है, वो भी साइकिल लेके जाना। तो गाइस रास्ता जो है बहुत ही मज़ा रास्ता है, और शायद मैं ये खूबसूरत नज़ारा पहाड़ को देख देख के आराम से जा रहा हूँ, शायद जंगला तक अच्छा रास्ता हो। ये साला रास्ता में चला के अच्छा लगता है, कोई टेंशन नहीं है। और प्लीज़ गाइस अगर कोई नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर जो दिल करे जो मन करे कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रहा है थोड़ा बहुत उसके लिए। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते हो ना बहुत ही अच्छा लगता है, और अंदर से अलग ही जोश मिलते हैं वीडियो बनाने का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस किसी ने कहा था मतलब बहुत ही हवा वाइन होता, मतलब हवा चलते रहता है जब मैं बोलता हूँ, वो तो सही है, क्योंकि इतना ऊपर आ चुका हूँ ना, अभी क्या करूँ, मोबाइल भी लो क्वालिटी का है ना, उसके वजह से माइक वगैरह नहीं है, साउंड तो आएगा ही, वो एडजस्ट कर लीजिए, बाकी उपाय नहीं है। अभी ढलान है, पूरा आराम से जा रहे हैं, और चारों ओर देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, ओह माय गॉड। तो गाइस सामने ये गेट बना हुआ है, वेलकम टू कुमिक, यहाँ से कुमिक जाते हैं, कुमिक विलेज। और ये रहा सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। कहीं पे गाइस बैठने का मन कर रहा है आराम करने का, लेकिन एक पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आराम कर पाऊँ। स्टोंगडे विलेज और 4 किलोमीटर, मुझे लगता है वो जो पहाड़ के ऊपर है वहाँ पे देखिए वो होगा शायद विलेज, कितना ऊपर बना के रखता है विलेज। वह ख़तरनाक हवा दे रहा है अभी, ऐसे करके और वो वाला है विलेज, वहाँ पे है विलेज स्टोंगडे, ऐसा कुछ नाम था वही है। वहाँ पर ही थोड़ा सा छाया है, मतलब जहाँ पे गाँव होता है विलेज वहाँ पर ही पेड़ वगैरह लगाता है, और बहुत ही तेज़ हवा चल रहा है। मैं आ चुका यहाँ तक, अभी रुकने का जगह नहीं है कहीं पे, रास्ता के किनारे पूरा गर्म गर्म लग रहा है, धूप लग रहा है, यहाँ पे अभी रुकता हूँ पत्थर का साइड में। और जीतू भाई लोग अभी आया नहीं, भाई लोग पीछे पीछे आ रहा था, एक साथ चलते हैं, भाई लोग को भी आ जाते हैं। विलेज कितना मस्त दिखता है ना, वाह, पूरा ग्रीनरी करके रखा हुआ है, खेती उठी करके रखता है, पेड़ वगैरह पेड़ पौधे सब कुछ लगा के रखता है लोग, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही है ये गांव विलेज। नेटवर्क भी है सामने, और गाइस यहाँ पे ये रास्ते का बीच में क्या सुंदर सा स्टूपा बना के रखा हुआ है, वो सच में गाइस क्या मस्त दिख रहा है, देखिए ना फुल, वाह हर जगह ये फूल लगा के रखा है। नीचे भी है पूरा खेती वगैरह करके रखा हुआ है नीचे पूरा, ओके। तो गाइस ये रहा, यहाँ से नीचे जाता है गांव के लिए रास्ता है, और ऊपर देखिए ऊपर वो गुम्पा होगा शायद, कल जो गया था वैसा टाइप का, यहाँ से भी शॉर्टकट रास्ता है आगे से होगा शायद अच्छा रास्ता। कहीं पे दुकान मिलने से कुछ खाने पड़ेगा, देखिए लोग कैसे रहते हैं।
ये देखिए ना, पूरा पत्थर पत्थर का ऊपर ही पूरा बना लिया, खतरनाक डिजाइन। ओ वाह, पत्थर के ऊपर घर बना दिया पूरा, खतरनाक। और ये पूरा विलेज यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ थोड़ा सा छाया मिल चुका है, थोड़ा आराम करता हूँ। और ऊपर से सब पानी आते रहता है, पाइप लगा हुआ है, फिर ऐसे आके नीचे आ जाता है पानी, पूरा पेड़ों के लिए पौधों के लिए पानी चला जाता है। नाला बना के रखा हुआ रखते हैं। यहाँ से और 6,006 किलोमीटर, जंगला 17 किलोमीटर, ढलान है। आराम आराम से जल्दी जल्दी से जा रहे हैं। और ये ट्रक ट्रक ने ट्रैक्टर पत्थर लेके जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है गाइस। तो गाइस यहाँ से भी एक गांव जाता है, राइट से जो गेट दिखाई दे रहा है वहाँ से वो रहा एक टावर है, टावर दिखाई दे रहा है। गांव का नाम क्या लिखा हुआ है पढ़ने में टाइम लग गया मुझे को। जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है सच्ची में गाइस, देखिए ना क्या मस्त नज़ारा है चारों ओर, वाह। तो गाइस अभी एक नदी मिल चुका है, लेकिन नदी में पानी नहीं है, सूखा हुआ है। अभी इसे क्रॉस करके जाने पड़ेगा ऐसे करके। सामने वो पहाड़ दिखी ना कैसे होके रखा है। और ये छज्जर ब्रिज, ब्रिज का नाम है छज्जर ब्रिज। ये सब देखिए कैसा होके रखा है, मिट्टी पूरा गिर गिर के ऐसे साइज में बन गया मतलब। और ये देखिए पानी, ब्रिज तो है पानी नहीं है, पूरा सूख गया। वो वहाँ पे पहाड़ देखिए खतरनाक। तो गाइस चलते चलते हम ये और एक गांव मिल चुका है छज्जर, वो रहा सामने, वहाँ चलते हैं। कुछ खाने का भी मन जा रहा है, दुकानें नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्या खतरनाक जगह है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। और ये क्या खूबसूरत अलग किस्म का पहाड़, ये सिर्फ लद्दाख पे ही मिलेगा। गाइस ये रहा हॉस्पिटल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और ये रहा आपका गांव। और ऐसा लगता है चारों ओर पहाड़, आगे जाने का रास्ता ही नहीं, खत्म हो चुका है जंगला 10 किलोमीटर है, और आज जंगला आराम से पहुंच जाएंगे। आगे देखिए डाउन है रास्ता, आराम आराम से चले जा रहे हैं जंगला की ओर। और ये रहा खूबसूरत सा पहाड़, गंजा पहाड़, टकला पहाड़ बिना पैर का। ओह माय गॉड, आगे का नज़ारा दिखिए गाइस। और ये रहा रिवर, खतरनाक साइड से कहाँ से बनाया हुआ है रास्ता, रास्ता दिखिए गाइस कितना खतरनाक भयंकर रास्ता है, पूरा काट काट के बनाया हुआ। सामने ये रिवर, वहाँ पे एक हैंगिंग ब्रिज मिला है, वहाँ पे चलते हैं थोड़ा हैंगिंग ब्रिज में उठते हैं, मज़ा करते हैं। तो गाइस यहाँ से जंगला और 6 किलोमीटर है, और ये रहा रिवर जो ये ब्रिज में पहुँच चुका हूँ। और इस तरफ देखिए वाह कैसे बना है ना, खतरनाक। चलिए अभी चलते हैं आगे, वो यहाँ से गाड़ी वगैरह भी ले जा सकते हैं, बनाया हुआ है काट से बनाया पूरा ब्रिज, वाह खतरनाक। हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, लेकिन जो खूबसूरत नज़र है।
और ये रहा प्रदीप भाई आ गया अपना। हाँ हवा बहुत तेज है, वो साइकिल गिर गया। तो गाइस ऊपर का जो पहाड़ है इनको देख के मुझे लग रहा है मैं कभी कहीं हॉलीवुड में जो फिल्म वगैरह नहीं बनाता है मतलब बाहर का दुनिया में आ चुका हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। चारों ओर बहुत ही यूनिक और आगे ये कुछ घर जैसा बना हुआ है, देखिए ना खतरनाक है ये वो पत्थर, ऊपर भी है पूरा ऊपर तक। और ये रहा अपना बाइसाइकिल, अपना ही साया देख के तुम जान जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है ये बना रहे, तुम तो अभी से घबरा गए। पूरा गर्म धूप जो है ना यहाँ पे लग रहा है, वो पूरा जल रहा है। यहाँ से और 4 किलोमीटर है जंगला, लेकिन नज़ारा देखिए, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल नज़ारा। ट्रैक्टर आ चुका, ट्रैक्टर और अभी ये टर्निंग मिल चुका है, ओह क्या मस्त नज़ारा है। तो गाइस जंगला यहाँ से और 3 किलोमीटर है, उससे पहले और एक ये ब्रिज मिल चुका है, आगे एक व्यू पॉइंट भी है और वहाँ पे गांव भी है, चलते वहाँ तक। पहाड़ क्या मस्त दिख रहा है वाह। और ये ब्रिज का नाम है जंगला ब्रिज, ये रहा। तो गाइस दूर से मैंने देखा था मैं ये गेट को, और यहाँ से जाता है आपका जंगला विलेज के लिए, और हमें वो रोड लोग लेके जाने पड़ेगा। तो पूरा हवा दे रहा है, यहाँ का नज़ारा देखे ना कितना खूबसूरत, हवा लेकिन बहुत ही तेज़ हो रहा है, आपने खतरनाक हवा। और ये देखिए वहाँ से आ रहा है ये रिवर नीचे से, क्या मस्त नज़र है। बस ये रहा जंगला, जंगला पहुँच चुका हूँ, और ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा सामने का। और हाँ वो वहाँ पे गांव पे कोई लोग दिखाई नहीं देते, पता नहीं ना कोई दुकान है। और अभी यहाँ पानी मिल चुका है, पानी भरा लेता हूँ। और वहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ है वो पहाड़ के, मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ लिख के रखा है। पता नहीं गाइस कहाँ आ गया, गांव में एक भी कोई भी लोग दिखता नहीं है। जो पीछे बात कर रहे जीतू भाई वहाँ पे काम कर रहे थे, बोले आगे हवा मिल जाएगा 3-4 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पर ही चल के कुछ खाते हो। बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है सच्ची में, इतना गर्मी है आज वाह। नज़ारा लेकिन कुछ खाने को मिले ना मिले, नज़ारा लेकिन मिल रहा है खाने के लिए, देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो गाइस खाने के लिए इतना मुश्किल होगा सोचा नहीं था, अभी और यहाँ से 15 किलोमीटर चलने पड़ेगा। आज गया भूख से मर जाऊँगा मैं, तस्वीर में यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है खाने का, ओह माय गॉड, और नहीं आऊँगा यहाँ। गाइस क्या मस्त नज़ारा है सच्ची में क्या बोलो, अरे भूख से इतना भूख लग रहा है कुछ बोलने का ताकत भी नहीं हो रहा है, लेकिन जगह बहुत ही ज़रा खूबसूरत है। आज शायद बिना खाए सोने पड़ेगा, भगवान कुछ कर देना हमारे लिए नहीं तो भूखा सोने पड़ेगा। वहाँ पे कुछ बना हुआ है रास्ता, क्या मस्त रास्ता है, लेकिन और 15 किलोमीटर बाद ऐसा रास्ता ख़त्म। सच में गाइस यहाँ क्यों आया मैं, मर जाऊँगा ऐसे तो। ये क्या बना हुआ है आगे, कुछ झोपड़ी टाइप का टेंट लगाया हुआ है। सच्ची में गाइस मुझसे और चला नहीं जा रहा है, ओह भगवान यहाँ मैं मरने वाला हूँ।
लद्दाख में मैं मर जाऊंगा सच्ची, खाना नहीं मिले तो। बिना खाना खाना चाहिए मुझे। ये तो रास्ता बनाने वाला है, रास्ता। टैक्सी यूनियन स्लिप चेकिंग, अच्छा सेंटर टैक्सी का है ये, यूनियन स्लिप चेकिंग। प्लीज स्टॉप। हेलो भैया, आगे दुकान वगैरह होगा? नहीं है। कितना किलोमीटर होगा आगे फिर भी? है नहीं। माय गॉड, हमें तो इस तरफ ले जाना है। हाँ, एक घंटा बाद 15 किलोमीटर करीब हो जाएगा। ओके थैंक यू। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। वहाँ पे ना? अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो गाइस अभी भैया बोल रहे थे वो मिल जाएगा खाने के लिए, मतलब होटल वगैरह भी है, वहाँ पर ही चलता हूँ। वहाँ पे पत्थर के बीच में, वहाँ पे पहाड़ों के बीच में पूरा गुफा जैसा बना हुआ है, कुछ लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। बहुत छोटा छोटा था वहाँ पे। और यहाँ मिल चुका है वेलकम टू जंगला CPL कैंप, यहाँ पे कैंप है। और साथ में यहाँ देखिए ना क्या मस्त व्यू है, वाह क्या मस्त लग रहा है। तो गाइस अभी ये एक ब्रिज मिल चुका है, और पत्थर देखिए ऊपर पहाड़, कितना बड़ा चट्टान। यहाँ से पानी अभी नहीं जा रहा है, नीचे से एक रिवर जा रहा है, वही वाला रिवर। और नीचे से एक रास्ता भी है वो गांव जाने के लिए, लेकिन हमें तो सीधा चलना है। ऊपर से पूरा पत्थर गिर गिर के पूरा नीचे आ चुका है, बहुत ही डेंजर रोड है ये तो, और ख़तरनाक। देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहा है ऊपर से, देखने में क्या कितना डर लग रहा है। जल्दी से क्रॉस कर लेता हूँ। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा क्या बोलो, ख़राब से थक गया। भाई लोग वहाँ पे रुका हुआ है, और ऐसा कुछ है नज़ारा। अभी देखिए पूरा नीचे से होके आया, इतना खरी चढ़ाई था पूरा आगे से, एनर्जी पूरा डाउन हो चुका है, कुछ भी खाने को नहीं मिला ना। भगवान कहाँ फंस गया मैं। ओह माय गॉड। और गाइस अभी पूरा और ऊपर जाना है, खरीद चढ़ा है पूरा, धीरे धीरे करके जा रहा हूँ। पैर पूरा दर्द करने लग गया, भगवान। क्यों आया था मैं यहाँ, हालत खराब हो गया। बस अभी शाम का 6:15 हो चुका है, और पूरा वहाँ से चल 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 ऐसे करके यहाँ तक पहुँचा। और अभी इसका बात पता नहीं डाउन है ना आप है रास्ता। नीचे लिखे क्या मस्त, ये सब पूरा खराब हुआ है, धीरे धीरे गिर रहे। तो गैस काफ़ी टाइम चलने के बाद एक वो नीचे गांव देखने को मिला, वो रहा। और सामने से ये ऊपर से रिवर आ रहा है पानी बह के, और ऐसा कुछ नज़र है शाम का, बहुत ही ज़रा खूबसूरत। और यहीं तक ही था, मतलब अच्छा रास्ता पक्का रास्ता यहाँ से हो जाता है ख़राब रास्ता, और पता नहीं कब मिलेगा अच्छा रास्ता। अभी यही रास्ता में टूटा फूटा रास्ता पे चलने पड़ेगा। तो बस पहले तो हालत देखिए बहुत ही ख़राब हो चुका है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और 7 बज चुका है अभी, जाके ये होटल मिल चुका है। अभी देखते हैं, अभी ये होटल भी बंद है, और बोल रहे 35 किलोमीटर आगे। ओ माय गॉड, गया तो भाई सच में। गाइस आज क्या हो गया,
कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। जो यहाँ का लोग था घर भी ताला मरा हुआ है। नीचे जो है दुकान में, नीचे जो गांव है वहाँ पे चले गए। ओह माय गॉड, उपाय नहीं है, क्या करें। अभी ये देखिए व्यू, देखिए क्या करूँ। अभी पानी भर लेता हूँ, पानी पीता हूँ। तो गाइस अभी शाम का 7:30 बज चुका है और फाइनली दुकान का जो भैया था वो आ चुके। अभी कोई टेंशन नहीं है, चावल चावल मिल रहा है यहाँ पे, बेरे से खा के सोएंगे। लेकिन थक गए बहुत ही ज़्यादा। और अभी टेंट लगाने का जगह देखता हूँ कहाँ पे टेंट लगा जाए। और यहाँ पे नेटवर्क नहीं है और आगे भी नेटवर्क नहीं है, खतरनाक होने वाला है। ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, चारों ओर मस्त नज़र है। तो गाइस आज तो उम्मीद था ही नहीं खाना मिलेगा करके, वो फाइनली भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओह थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रहा राजमा चावल सच्ची में गाइस, और साथ में ये अंडा थोड़ा एनर्जी के लिए खा लेता हूँ। ओके, और बाकी प्याज है, सब रेडी है, टेंशन नहीं है। और ठीक है गाइस, अभी खाना वाना खा लेता हूँ बढ़िया से। फिर कल सुबह दौड़ने पड़ेगा, वो कल नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय होम, बाय बाय।